कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। आए सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना। सब्र के अपनी जिम्मेदारी की पंक्ति पढ़ता हूँ, अपने परिचय की पढ़ता हूँ कि सब्र के इससे अच्छा यकीन मानिए इंदौर वालों, मैंने इन चार पंक्तियों से अच्छा कुछ नहीं लिखा, वो भी खुद के लिए, कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा, मजबूरियों ने इसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना। जरा आप लोगों का इस देखो, ये टेंशन तनाव सब भूल जाओ, टेंशन लेना ही चाहिए इंसान को ज्यादा, काय का टेंशन पूरी जिंदगी निकल जाती है, इंसान केवल तीन काम करता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है इंसान केवल तीन काम करता है, भागा जोड़ी, दूसरी हाथा जोड़ी और तीसरी माथा थोड़ी। बढ़िया बात है, बढ़िया कहीं कवियों में देख लो, सारे के सारे भागा जोड़ी करके यहाँ का, अब हाथा जोड़ी करके ताली वाली बजा के कार्यक्रम जमवा रहे, माथा फोड़ के अपनी पेमेंट के टाइम स्थितियां है, इसलिए टेंशन तनाव सब भूल जाइए। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी तो मैं तेरा था ना, मैं स्कूल से बड़ा होशियार था, वो मेरे तो मास्टर की क्लास में आए, क्लास में आके बोले कि क्लास में जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए, तो मैं तुरंत खड़ा हो गया। मास्टर जी बोले तो तू बेवकूफ है, मैंने कहा ना मास्टर जी आप अकेले खड़े थे अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे, सच बता रहा हूँ आपको, मेरे से पलट के बोले अच्छा चेतन ज्यादा होशियार बन रहा, मैंने कहा बचपन से हूँ। बोले तो ये बता लड़की में छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की? ये बढ़िया है। मैंने कहा पहले तो लड़की बताओ, कैसी अपनी स्थिति अपने लिए वो ज्यादा जरूरी है। बोले नहीं तू बता लड़की में छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की? मैंने कहा देखो मास्टर जी ऐसा है, अगर लड़की अपन से छोटी होगी तो छोटी, बड़ी होगी तो बड़ी, तो बोले बराबर की होगी तो? मैंने कहा फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या, मैं खुद भी चला जाऊंगा। सच बता रहा हूं आपको कि कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती, कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है, मैं छोटा पड़ जाता हूं, मैं लंबी निकल जाता हूं। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है, मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है, और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है, कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बता। इस समस्या से परेशान होकर कि छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया और अपन ने भी ऊंचे हील का जूता सिलवाया, अपन ने भी ऊंचे हील का जूता सिलवाया, जूते पहनकर एक छोटे मियां बड़े मियां की तरह सजने लगे और खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। वाह, इतने में ही घर की डोरबेल बजी और मैंने गेट खोला, सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूँ और इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूँ। तो मुझे देखते ही वो बोल पड़ी कि बेटा, कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ, कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना है पहले मुझे बताओ, तो वो बोली कि उन्हें ये समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई दी। मैं सच बता रहा हूं अपनी स्थिति मेरी इतनी खराब है, गला भी खराब है मेरा, इससे ज्यादा स्थिति क्या खराब होगी कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू, और विकास के नाम पे मिल रहा बाबा जी का। भाई वाह, बाबा जी